वीरेन जी, आपके पास आ रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आम तौर पर हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से कि वो तमाम हर वो जाति धर्म से परे हर किस्म के बुद्धिजीवी टारगेट पर हैं। तो क्या यहाँ ये कहना सही होगा कि दलित बुद्धिजीवी निशाने पर हैं, या सचमुच में ऐसा है कि दलित बुद्धिजीवियों को हम अलग से निशाने पर पाया हुआ देख सकते हैं? अनम्यूट कर लीजिए वीरेन जी। मुकेश जी, अभी हाल की जो घटनाएं हुई हैं उसमें तो बहुत स्पष्ट है कि दलित बुद्धिजीवी निशाने पर हैं, लेकिन ये बुद्धिजीवी व्यक्ति के रूप में नहीं, विचार के रूप में है। इसको अगर इस तरह देखा जाए कि जो अंबेडकर वाद के विचार में विश्वास रखते हैं, उन सारे बुद्धिजीवियों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है। यूं तो पिछले कुछ वर्षों में तर्क ज्ञान बहुलवाद की जो परंपरा है उसमें विश्वास रखने वाले लोग, और जो हिंदुत्व का विचार है, हिंदुत्व की जो विचारधारा है, और जो हिंदुत्व का एक जो है राजनीति चलाई जा रही है, उसमें सुराग करने वाली जो विचारधारा है, चाहे वो तर्क विज्ञान बहुलवाद का चिंतन हो और चाहे अंबेडकरवाद का चिंतन हो, तो ऐसे सारे बुद्धिजीवी निशाने पर हैं। और अभी आपने आनंद तेलतुंबडे का नाम लिया, तो यूं ही नहीं आनंद तेलतुंबडे निशाने पर हैं, आनंद तेलतुंबडे ने रिपब्लिक ऑफ कास्ट लिखी। इसके थोड़े पहले पेरुमल मुरुगन निशाने पर थे, वो भी बहुजन समाज के बुद्धिजीवी हैं। पेरुमल मुरुगन इसलिए निशाने पर भी थे क्योंकि उन्होंने कास्ट एंड आई नाम के एंथोलॉजी को संपादित किया था। कानचा इलैया उनके निशाने पर रहे, उन्होंने वाई आई एम नॉट हिंदुत्व तो लिखा, पोस्ट हिंदू इंडिया लिखा। तो इस तरह अगर देखा जाए कि ऐसे सारे बुद्धिजीवी जो हिंदुत्ववाद की विचारधारा में को प्रश्नांकित करते हैं, ऐसे सारे बुद्धिजीवी निशाने पर हैं। और थोड़े समय पूर्व अगर आप देखें तो जिन बुद्धिजीवियों की हत्या हुई है, चाहे कलबुर्गी हो, गौरी लंकेश हो, दाभोलकर हो, गोविंद पानसरे हो, ये व्यापक रूप से तर्क ज्ञान बहुलवाद की परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो आज अंबेडकर की मूरत बड़ी हो, अंबेडकर को प्रातः स्मरणीय माना जाए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंबेडकर को प्रातः स्मरणीय मानता है, लेकिन अंबेडकर के विचारों पर न चर्चा हो, अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं पर न चर्चा हो। ऑर्गेनाइजर और पांच जन ने पिछले कुछ वर्षों में अंबेडकर विशेषांक छापे, लेकिन अंबेडकर के जो विशेषांक छापे उन विशेषांकों में अंबेडकर की विचारधारा पर कोई विमर्श या अंबेडकर की विचारधारा का कोई सही संदर्भों में उसकी चर्चा नहीं है। तो विचार को अदृश्य कर दीजिए और व्यक्ति का पूजन कीजिए, ये इस समय का एक चलन है। और इस समय अगर दलित बुद्धिजीवी निशाने पर हैं तो इसलिए भी हैं, वे मात्र बुद्धिजीवी नहीं है, वो एक विचार से जुड़े हुए हैं और अवयविक बुद्धिजीवी हैं, यानी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं। अपने समाज में उनकी बात सुनी जाती है, हजारों लाखों लोगों तक उनके विचार पहुंचते हैं। तो ये एक व्यक्ति के रूप में नहीं, ये विचार के रूप में निशाने पर हैं। तो मुझे ये समझा जाना चाहिए कि आज दलित विशेष रूप से निशाने पर इसलिए हैं क्योंकि दलित की जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक का तो अधिग्रहण किया जा रहा है किसी न किसी रूप में, लेकिन दलित विचार का भी अधिग्रहण किया जाना थोड़ा कठिन है। इसलिए दलित विचारकों पर ये नकेलबंदी की जा रही है, उनकी घेराबंदी की जा रही है। तो जो ताजा घटनाएं हैं, ताजा घटनाओं का संदर्भ वही है, जिग्नेश मेवानी पर भी जिस तरह से उनकी घेराबंदी की गई, तो जिग्नेश मेवानी के साथ भी वो अंबेडकरवाद और वामपंथ दोनों का एक सहमेल की बात करते हैं। तो ऐसे विचारक जो कि आगे आने वाले समय की बात करते हैं, और एक जो हिंदुत्व का एक समरसता का जो सिद्धांत है, उस समरसता के सिद्धांत या विचार में जो छेद करते हैं, ऐसे सारे बुद्धिजीवी निशाने पर हैं। तो मैं समझता हूं इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए, और जाति या बहुजन समाज तो निशाने पर ही है, उसके साथ वे सारे बुद्धिजीवी निशाने पर हैं जो इन विचारों को मानने वाले हैं।